अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ पाव भाजी की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। तो पाव भाजी रेसिपी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए कुकर, इसको कर लेंगे गरम। हमारा कुकर गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और इसको थोड़ा गरम होने देंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला और इसको थोड़ा सा भून लाल होने देंगे। अब इसमें हम फौरन से डालेंगे टमाटर, मैंने 3 मीडियम साइज टमाटर काट चुकी थी। हम फौरन से टमाटर डाल देंगे क्योंकि हमारा मसाला जल सकता है, तो इसमें मैंने डाल दिए टमाटर। हमने 2 मीडियम साइज के बटाटा लिए थे और एक बड़ा गाजर ले लिए थे और गोभी ले लिए थे 1 कप। अब ये सबको भी इसमें डाल देंगे। हमने ये सब भाजी भी इसमें डाल दी है। और इसमें डालेंगे हम 1 कप मटर, हम इसमें डाल देंगे मटर। और इसमें डालेंगे हम 1/2 गिलास पानी ताकि हमारी भाजी एकदम अच्छे से गल जाए। ये सबको भून के भाजी हम गलने रख देंगे। एक सीटी हम फास्ट पे रखेंगे, फिर 2 सीटी हम चूल्हे पे लगाएंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। मैं ले ली हूँ एक कढ़ाई, इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून बटर। ये हमारा 3 टेबल स्पून बटर है। तेल हम इसलिए डाले ताकि हमारा बटर जले ना। और मैं 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च काट ली थी, अब डालूंगी वो। और मैंने 2 मीडियम साइज के कांदा भी काट लिया था, वो भी डाल दूंगी। हम इसको 2 मिनट के लिए इस पर चला लेंगे। और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। फिर डालूंगी पाव भाजी मसाला, और फिर डालूंगी 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची। कश्मीरी लाल मिर्ची से कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हम ये यूज करेंगे। और फिर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। आप इसमें हरी मिर्ची भी पीस सकते हैं, मैं पीसी हूँ। अब चाहे तो तीखी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। और ये सबको अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें डालेंगे कस्तूरी लाल, इसको मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, इस तरह से क्रश कर लेंगे। और इसमें डालेंगे कोथमीर और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और हमको तो अच्छे से मसाला भुनने का है ताकि मसाले में कच्चापन ना रहे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी इसको हम भूनेंगे और देख लेंगे अपनी हमारी भाजी जो हम रखे थे वो गली है कि नहीं। हमारी भाजी गल चुकी है, अब इसको हम मैश करेंगे। हमको हमारी भाजी मैश करनी है पूरी। आप देख सकते हैं हमारी भाजी एकदम अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम उसमें मसाला देखेंगे।
अब जो हम मैश की हुई भाजी थी हम वो इसमें भी डाल और जो हमारी मैश की हुई भाजी थी हम इसमें डाल देंगे। हम इसमें डाल चुके, इसको मिलाएंगे तो अच्छे से। और इसमें हम आधा गिलास पानी डाल के ढक्कन ढक के इसको रख देंगे और पकाएंगे। हम लगाएंगे पाव भाजी में तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने ले ली एक पतीली और इसको करेंगे गरम। और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच बटर और थोड़ा सा जल गया था, अब हम इसमें थोड़ा ठंडा होने बाद इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्ची और थोड़ी सी कोथमीर। इसमें कोथमीर और मिर्ची डाल चुके हैं, अब इसको हिला लेंगे, मिला के पाव भाजी में डाल देंगे। इसमें हम अपना तड़का डाल चुके हैं, अब इसको चलाएंगे। हमने ले ली एक तावा और इसमें डालेंगे बटर, डालेंगे थोड़ी सी भाजी जो हम भाजी बनाए थे वो भाजी। अब फिर डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर। फिर इसको मिलाएंगे और डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची। हम थोड़ी सी डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्ची, इसको भी मिलाएंगे। हमारी पाव भाजी रेसिपी तैयार है। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।